स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राष्ट्रीय दिव्यांग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वासुदेव बादल ने अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि जो फुट ओवरब्रिज आनंद विहार बस अड्डे पर सिक्योरिटी गार्ड एवं प्रशासन की मिलीभगत से दुकानें लगवाई जाती है, जबकि हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट रूप से पुल पर दुकानें लगाने को साफ मना किया है, क्योंकि पुल की चौड़ाई कम होने की वजह से अतिक्रमण बढ़ जाता है और आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड फुट ओवर ब्रिज पर एक्सीलेटर बंद कर देते हैं, जिससे बुजुर्गों, विकलांगों और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मजबूरन सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि वह पुल पर से अवैध दुकानें हटवाकर एक्सीलेटर को सुचारू रूप से चालू करवाए, जिससे कोई भी समस्या न हो। जी, मैं इस कारण से धरने पर बैठा हूँ कि हमारा एक जहांगीरपुरी में एक मैटर हुआ था, जो कि दिव्यांगों के खोखे के मैटर में हम लोगों ने एप्लीकेशन केजरीवाल जी को दिया था। उस मैटर पे एक धरना प्रदर्शन मैंने वहाँ पे जंतर मंतर पे करने गया था। इस दौरान हमारे कुछ कार्यकर्ता बाहर से आए हुए थे और ये आनंद विहार जो फ्लाईओवर ब्रिज है वहाँ पर कुछ बंदों ने दुकान लगा रखा था और उन्होंने दुकान के पैसे ऊपर ब्रिज के ऊपर जा रहे, जबकि स्पेस नहीं है उतना भी, तब बैसाखी एक हमारे बंदे को लग जाता है, तो उन्होंने उनको गाली और बदतमीजी करते हैं और अशब्द का प्रयोग करते हैं। पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी कमेटी वाले आ जाते हैं, हमारा सामान उठा के ले जाते हैं, अप्रूव होने के बावजूद भी हमें परेशान किया जाता है। सब कुछ है लेकिन फिर भी नहीं लगाने देते हमें। कभी कमेटी आ जाए, कभी पुलिस वाले आ जाए, हम विकलांग बंदे हैं, हम अपना देखें या इनका देखें। हमें दुकानों के लिए लगाने के लिए नहीं दी जाती, और हमने एक जगह दुकान लगा रखी थी, हमारा छपड़ा अपड़ा तोड़ दिया गया।